मैं राजेंद्र सैनी, आरआर कंप्यूटर्स, रामनगर, सोडाला से। आज हमारी क्लास है एमएस वर्ड की, स्मार्ट आर्ट चार्ट एंड स्क्रीनशॉट। हमने हमारा डॉक्यूमेंट बना लिया, उसमें हमें ग्राफिक, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक हमें इंसर्ट करना, फ्लो चार्ट या किसी एक प्रोसेस को समझाना हो तब हम स्मार्ट आर्ट का यूज करते हैं। स्मार्ट आर्ट पर हमने क्लिक किया, जैसे हमने स्मार्ट आर्ट क्लिक किया तो हमारे पास स्मार्ट आर्ट की एक लिस्ट आ गई, जिसमें आपको कैसा स्मार्ट आर्ट लेना है, लिस्ट वाला लेना है या प्रोसेस वाला लेना है या साइकिल वाला लेना है, या आपको जैसा भी यहाँ से लेना है उस पर आप क्लिक कर दे। जैसे मुझे कोई प्रोसेस में किसी चीज़ को समझाना है तो मैंने प्रोसेस वाले पे क्लिक किया, और जो भी मुझे लेना है, जैसा भी मुझे डिज़ाइन में लेना है वैसा मैंने क्लिक कर दिया और ओके कर दिया। जैसे मैंने ओके किया तो मेरे पास एक शेप बनी हुई आ गई, उसमें कुछ बॉक्स ऐसे आ गए जिसमें मुझे मेरा टेक्स्ट टाइप करना है। जैसे मैंने टाइप कर दिया कंप्यूटर, इस तरह से मैंने एक टाइप कर दिया। इसे मुझे चेंज करना हो तो मेरे पास स्मार्ट आर्ट का टूल आ जाएगा। टूल में पहला है डिजाइन, ऐड शेप, आपको और शेप ऐड करनी हो। अभी आपके पास 3 शेप्स हैं टेक्स्ट बॉक्सेस की, उसमें आपको और भी शेप ऐड करनी हो तो आप क्लिक करें कि शेप के पहले और बाद में आपको ऐड करनी है। अगर आपको पहले आफ्टर ऐड करनी है तो आफ्टर पे क्लिक करें, बिफोर ऐड करनी है तो बिफोर पे क्लिक करें। और जैसी यहाँ पे शेप होगी उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार ये अबव और बिलो भी काम करेंगे। अगर आपके पास कोई ऐसी शेप होगी जिसमें ऊपर नीचे होगा तो अबव बिलो काम करेंगे। ऐड बुलेट, आपको कोई भी सब टॉपिक ऐड करना हो तो आप ऐड बुलेट पे क्लिक कर दें तो ये सब टॉपिक ऐड कर देगा। तो यहाँ पे ये सब टॉपिक ऐड कर देगा। अगर आपको टेक्स्ट पैनल ओपन करना हो इस शेप्स में, जो भी आपके आएंगे यहाँ पे एक टेक्स्ट पैनल भी आता है, वो आप यहाँ से ओपन करें टेक्स्ट पैनल से, या इसके पास में एक छोटा सा बटन होता है आपकी शेप के पास में, उससे ओपन कर लें, दोनों एक ही काम करेंगे। प्रमोट और डिमोट, आपने कोई भी सब टॉपिक लिया उसको मेन टॉपिक में कन्वर्ट करना हो तो आप उसको प्रमोट कर सकते हैं, और डिमोट करना हो तो आप उसको डिमोट कर सकते हैं। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, मुझे इसे इस सब टॉपिक को डिमोट करना है तो मैंने डिमोट पे क्लिक कर दिया, प्रमोट करना है तो मैंने प्रमोट पे क्लिक कर दिया, जैसे ही मुझे लेना हो। आपकी शेप की एरो या आपकी शेप की डिजाइन को आपको लेफ्ट टू राइट करना हो या राइट टू लेफ्ट करना हो तो यहाँ क्लिक कर दें। मूव, आप किसी शेप्स को आपको अप एंड डाउन मूव करना हो तो यहाँ से आप मूव कर लें। आपको इसकी डिजाइन चेंज करनी हो तो यहाँ से डिजाइन चेंज कर लें, जैसी भी डिजाइन आपको लेनी है। कलर आपको चेंज करना है तो चेंज कलर पे क्लिक कर दें, जैसा भी कलर आपको यहाँ से लेना है। आपको पूरा स्मार्ट आर्ट का स्टाइल चेंज करना है तो यहाँ से आप उसको चेंज कर लें, जैसा भी स्टाइल आप लेना चाहें। आपको वापस रिसेट करना हो तो रिसेट ग्राफिक क्लिक कर दें, वापस ये रिसेट हो जाएगा। कलर चेंज करना हो और इसके एक एक शेप को चेंज करना हो, जिसमें इसमें 3-4 शेप है, इन शेप को एक एक पे कलर देना हो, एक एक शेप को चेंज करना हो, तो आप स्मार्ट आर्ट टूल के फॉर्मेट पे क्लिक करें और यहां से जिस भी शेप को आपको चेंज करना हो उस शेप पे क्लिक करें कि मुझे इस शेप को चेंज करना है, और यहां से चेंज शेप। इसको लार्ज करना हो या स्मॉल करना हो, लार्ज मतलब बड़ा करना हो, स्मॉल मतलब छोटा करना हो, कलर चेंज करना हो यहाँ से कलर चेंज कर लें, और यहाँ से इसको और भी कोई कलर फिल करना हो तो यहाँ से फिल कर लें। इसकी आउटलाइन में चेंजेस करना हो तो यहाँ से आउटलाइन में चेंजेस कर लें, आउटलाइन की विड्थ में चेंजेस करना हो तो यहाँ से चेंजेस कर लें। अगर आपको इसको इफेक्ट देना है जैसे हमने शेप में किया था, सेम इफेक्ट यहाँ से आप इसको दे सकते हैं। इनमें जो टाइप किया और टेक्स्ट है उसको इफेक्ट देना हो तो यहाँ से वर्ड आर्ट स्टाइल से आप इसको इफेक्ट दे सकते हैं। टेक्स्ट में और भी कोई कलर फिल करना हो या टेक्स्ट में आपको आगे पीछे शेप को करना हो या इसको सेट करना हो डॉक्यूमेंट में, तो आप यहां से इसको कर सकते हैं। इसकी साइज में आपको इंक्रीज और डिक्रीज करना हो तो आप यहां से इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा चार्ट। वर्ड डॉक्यूमेंट में कोई भी चार्ट बनाना हो तो आप चार्ट पे क्लिक करें। जैसे आप चार्ट पे क्लिक करेंगे आपके पास चार्ट की एक लिस्ट आ जाएगी, कैसा चार्ट आपको लेना है। टेम्पलेट में आपको वो चार्ट मिलेंगे जो आपने पिछली बार कुछ बनाए हैं और टेम्पलेट में सेव किए हैं। कॉलम, अगर आपको कोई भी कॉलम चार्ट लेना है तो कॉलम पे क्लिक करें, लाइन चार्ट लेना तो लाइन पे क्लिक करें, पाई लेना है तो पाई पे क्लिक, जैसा भी चार्ट आपको लेना है उस पर क्लिक कर दें। जैसे मुझे कॉलम चार्ट लेना, मैंने कॉलम पे क्लिक किया और ओके कर दिया। जैसे मैंने ओके किया तो मेरे पास एक बाय डिफॉल्ट कॉलम चार्ट बन के आ जाएगा और उसकी एक एक्सेल शीट भी आ जाएगी। ये एक्सेल शीट आपके इस चार्ट
कनेक्टेड है, जुड़ी हुई है। जैसे आप इसमें चेंजेस करेंगे तो यहाँ भी चेंजेस होगा। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कैटेगरी, और यहाँ भी लिखा हुआ है कैटेगरी। मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ जयपुर, अजमेर, कोटा, सीकर, तो यहाँ पे भी आप ये चेंजेस देखेंगे। इनके वैल्यू में चेंजेस करेंगे तो यहाँ पे इनके ये जो कॉलम्स है वो उस वैल्यू के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे होंगे। जैसे मैंने डाल दिया 10, मैंने यहां डाल दिया 10, यहां पे डाल दिया मैंने 15, यहां पे डाल दिया मैंने 16, यहां पे डाल दिया मैंने 17। वैसे वैसे इसके कॉलम्स बढ़ेंगे। आप जितना चेंजेस यहां करेंगे उसके अनुसार यहां पे इस चार्ट में चेंजेस होते रहेंगे। जैसे हमने चार्ट लिया तो हमारे पास चार्ट का एक टूल आ गया, चार्ट टूल। पहला है डिजाइन। डिजाइन का मतलब इसकी डिजाइन आपको चेंज करनी है, कलर चेंज करना हो, चार्ट का टाइप चेंज करना कि मुझे कॉलम चार्ट नहीं लेना, इसका टाइप मुझे और चेंज करना है कि मुझे कैसा टाइप लेना है, तो वहां यहां से आप लाइन लेना है तो लाइन पे आप क्लिक करके ले लें। कॉलम लेना है, कॉलम का आपको 3D वाला इफेक्ट लेना है तो आप यहां से 3D वाले पे क्लिक करें और ओके कर दें तो आपको 3D इफेक्ट आ जाएगा। अगर आपको और चेंज करना है तो और भी आप यहां से चेंज कर सकते हैं। अकॉर्डिंग कलर दिया आपने, सॉरी कलर दिया, आप इसको सेव करना चाहते हैं कि टेम्पलेट में, इन फ्यूचर आपको ये दोबारा कभी लेना हो तो आप टेम्पलेट से ले लें, आपको ज्यादा नहीं ढूंढना पड़े, तो आप सेव एज ए टेम्पलेट पे क्लिक कर दें। और किस नाम से आपको उसको सेव करना है वो नाम आप यहां डाल दें। जैसे आप नाम डाल देंगे, जैसे मैंने कर दिया न्यू चार्ट और सेव पे क्लिक कर दिया, अब ये मुझे टेम्पलेट में मिल जाएगा। टेम्पलेट में देखने के लिए इंसर्ट, चार्ट, चार्ट में टेम्पलेट, और यहां पे आप देख रहे हैं कि न्यू चार्ट के नाम से आपको यहां ये मिल जाएगा और आप इसको यहां से ले सकते हैं। स्विच टू कॉलम, कॉलम टू रो, इस फंक्शन का यूज करते हैं हम। हमारी जो सीरीज लिखी हुई है और जो ये कोटा, अजमेर, सीकर जो सिटी नेम लिखे हुए हैं, इनको हमें सीरीज की जगह लेना हो और इनको सीरीज को सिटीज के नेम की जगह लेना हो तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने से पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपकी एक्सेल शीट ओपन, जो एक्सेल शीट बाय डिफॉल्ट बनी है वो क्लोज नहीं होनी चाहिए, वो ओपन ही होनी चाहिए। अगर ये क्लोज होगी तो आपका स्विच रो टू कॉलम काम नहीं करेगा। जैसे मैंने इसको यहां से क्लोज कर दिया, अब मैं आपको दिखाता हूं कि ये वर्क नहीं करेगा। अगर एक्सेल शीट ओपन होगी तो ही ये वर्क करेगा। सेलेक्ट डेटा, सेलेक्ट डेटा का मतलब होता है कि आपका जो ये डेटा है एक्सेल में, जो डेटा इसमें ले रखा है एक्सेल से, उसको आपको चेंज करना हो या उसको बढ़ाना हो तो हम सेलेक्ट डेटा पर क्लिक करेंगे। जैसे हम सेलेक्ट डेटा पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो हमारी एक्सेल शीट है वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी और एक डाटा सोर्स का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। उससे पहले हमारे पास एक टेबल बनी हुई होनी चाहिए। जैसे मैंने ये बना रखी है और मेरे पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। अब मैं यहां से इस टेबल को सेलेक्ट कर लूंगा और ओके पर क्लिक कर दूंगा तो मेरा ये चार्ट मेरी नई टेबल के अनुसार कन्वर्ट हो जाएगा। एडिट डाटा, आपको इस शीट में इसकी जो टेबल है उसमें चेंजेस करना हो तो आप एडिट डाटा पर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो आपकी शीट बनी हुई है वो ओपन हो जाएगी और उसमें जो भी आप चेंजेस करना चाहते हैं वो आप चेंजेस यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे वैल्यू चेंज कर दी, 30 कर दिया तो मेरे यहाँ पे डेटा ये चेंज हो गया। चार्ट लेआउट, आपको चार्ट का डिजाइन चेंज करना हो तो आप यहां से कर सकते हैं। इसका लेआउट आपको जो भी जैसा भी रखना है उस पर क्लिक कर दें तो लेआउट चेंज हो जाएगा। चार्ट को आपका स्टाइल चेंज करना हो तो यहां से आप चार्ट के स्टाइल चेंज कर सकते हैं, जो भी स्टाइल आपको लेनी हो, स्टाइल 21 लेनी हो, स्टाइल 4 लेनी हो। लेआउट, चार्ट एरिया को आपको कलर करना हो या चार्ट में कोई भी कलर में चेंजेस करना हो तो आप चार्ट या तो सीधा क्लिक कर दें, जिसको भी आपको क्लिक करना हो, जैसे मुझे यहाँ पे क्लिक करना, यहाँ पे चेंजेस करना है तो यहाँ मैं क्लिक कर दूंगा चार्ट की वॉल पे, या मुझे चार्ट फ्लोर पे क्लिक करना हो तो मैं फ्लोर पे क्लिक कर दिया तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको वो लिखा हुआ जाएगा। जो भी आपको कलर चाहिए वो आप यहाँ से फॉर्मेट सेलेक्शन से ले लें। आपको सॉलिड फिल करना है, सॉलिड फिल पे क्लिक किया, जो भी कलर आपको फिल करना है वो आपने कलर सेलेक्ट किया और क्लोज कर दिया, वो कलर आपको उस पर मिल जाएगा। आपको वापस रीसेट करना हो तो रीसेट, आपको पिक्चर लेनी तो पिक्चर, शेप लेनी तो शेप, आपको कोई भी एरो वगैरह शो करना हो तो यहाँ से शेप से आप उस एरो वगैरह से शो कर। इस तरह से आपको एरो वगैरह ड्रॉ कर सकते हैं।
टेक्स्ट बॉक्स आपको कुछ चार्ट ऐसा लिखना हो किस कॉलम्स पे या कहीं पे भी लिखना हो तो टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करेंगे और जहां भी हमें लिखना है वहां हम ड्रॉ कर देंगे और टाइप कर देंगे जो भी हमें लिखना है। चार्ट का टाइटल आपको रखना है या नहीं रखना, यहां से नहीं रखना नन कर देंगे, हमें ऊपर लेना है तो यहां कर देंगे, अबाउट चार्ट के ऊपर लेना तो यहां क्लिक कर देंगे, यहां ऐसा लेना तो इस पर क्लिक कर देंगे, मुझे नहीं लेना तो नन कर देंगे। एक्सेस टाइटल और वर्टिकल टाइटल, चार्ट का एक्सेस टाइटल आपको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, इसका वर्टिकल टाइटल या हॉरिजॉन्टल टाइटल आपको लेना हो, जैसे आपको यहां पर नेम ऑफ एम्प्लॉइज या नेम ऑफ स्टूडेंट, यहां पर लिखना आपको नंबर ऑफ इन थाउजेंड्स, जैसा भी आपको लिखना हो तो यहां से ले सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वाले का लेना है तो टाइटल बिलो एक्सिस तो आपके यहाँ पे आ जाएगा, और जो भी आप टाइटल जिसको देना चाहें वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, क्लिक करके टाइप कर सकते हैं। जैसे मैंने दे दिया नेम ऑफ स्टूडेंट तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लीजेंड, इनको लीजेंड बोलते हैं, ये जो चार्ट की जो सीरीज है 2012, 2013, 2014 इनको हम लीजेंड बोलते हैं, इनको हमें कहाँ शो करना है, नहीं करना है तो नन पे क्लिक कर देंगे, राइट में शो करना है तो राइट पे, टॉप पे करना है तो टॉप पे, जहां भी हमें शो करना है उस पे हम क्लिक कर देंगे, फिर सीरीज हमें वहां दिखा देगी, नहीं करने तो हम यहां से नन कर देंगे। डाटा लेवल, हमें चार्ट के ऊपर शो करना है कि वो कितने कितने नंबर पे टच हो रहे हैं तो यहां पे शो पे क्लिक कर देंगे, ये चार्ट के अनुसार यहां पे आपको शो करेगा। अगर आपका चार्ट सिंपल कॉलम में है तो आपको ये ऐसा शो करेगा, आपको डेटा कहां शो करना है, सेंटर में, इनसाइड, एंड में करना है, बेस में करना है, कहां करना है, वहां क्लिक करेंगे वहां पे ये शो कर देगा। चार्ट की टेबल आपको शो करनी है, जो आपकी टेबल एक्सेल में बनी है वो टेबल आपको यहां शो करनी हो तो शो टेबल पे क्लिक कर देंगे। अगर आपको उसकी कीज के साथ शो करना है, कीज का मतलब होता है इनका कलर, जो आपके कॉलम्स का कलर आ रहा है उनका कलर भी इनके आगे आपको शो करेगा। एक्सिस आपको शो करना या नहीं करना, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, ये आपके एक्सिस हैं, ये वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल है, ये आपको शो करना है या नहीं करना है तो आप यहां से क्लिक कर सकते हैं। ग्रिड लाइंस, ग्रिड लाइंस आपकी, ये ग्रिड लाइंस हैं जो आपको ये दिख रही है, ग्रिड लाइंस है, आपको ये ग्रिड लाइन शो करनी है तो यहां से हॉरिजॉन्टल ग्रिड लाइंस और आपको माइनर करनी है तो माइनर पे क्लिक कर दें, ऐसे वर्टिकल आपको शो करनी है तो वर्टिकल पे क्लिक कर दें, ऐसे वर्टिकल आपको शो कर देगी, नहीं करनी है तो यहीं से नन कर दें, जो भी आपको वर्टिकल वाइज नन करनी है या हॉरिजॉन्टल वाइज नन करनी है। प्लॉट एरिया, चार्ट को आपका बैकग्राउंड आपको शो नहीं करना तो यहां से हम नन कर देंगे तो हमें बैकग्राउंड नहीं शो करेगा, अभी मैंने इसको बैकग्राउंड कोई कलर नहीं दे रखा इसलिए कोई इफेक्ट इस पे दिखेगा नहीं आपको। ये 3D वाले पे काम करेगा, ये चार्ट आपको जो बैकग्राउंड है ये 3D वाले पे काम करेगा, ये भी 3D वाले पे, ये सब 3D वाले पे काम करेंगे, ये लाइन वाले पे काम करेगा, आपको लाइन लेना हो यहाँ पे, ये सब चार्ट के अनुसार काम करेंगे। फॉर्मेट, चार्ट को कलर और डिजाइन देने के लिए अपने अनुसार, मुझे इसको कलर करना है तो यहाँ से मैं जो भी कलर चाहूंगा यहाँ से चार्ट के उस कॉलम पे क्लिक करूंगा और जो भी मुझे कलर करना है वो यहाँ से मैं कलर कर दूंगा। ये टेक्स्ट को चेंजेस करने के लिए, जैसा भी इफेक्ट आपको देना है वो यहाँ से। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है स्क्रीनशॉट। अगर आप कोई वर्क कर रहे हैं और कोई ऐसा स्क्रीनशॉट आपको लेना हो, स्क्रीनशॉट मतलब कोई ऐसी पिक्चर लेनी हो जिसकी फोटो आपको यहाँ लगानी है तो सीधे ही हम यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीन क्लिपिंग पर क्लिक करेंगे, ये रिसेंटली जो आपके डॉक्यूमेंट्स खुले हुए हैं उनकी शॉट आपको यहाँ दिखा देगा, या कोई आपको स्क्रीनशॉट लेना तो उस पर क्लिक करेंगे और जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो भी हमारे पास स्क्रीन पे होगा उसका हम स्क्रीनशॉट सेलेक्ट करके क्लिपिंग यानी कट कर सकते हैं, वो हमारे डॉक्यूमेंट में आ जाएगा और ये बिल्कुल एक पिक्चर की तरह काम करेगा। जैसा हमने पिक्चर में चेंजेस किया था वैसा हम यहाँ पे कर सकते हैं, सारा चेंजेस इसमें कर सकते हैं।